रांची में सीपरी बाजार स्थित विद्युत उपकेंद्र के काउंटर से उपभोक्ताओं के बिल का पैसा लेकर जा रहे विभाग के कैशियर से तीन बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लूट के दौरान कैशियर को डंडा भी मारा गया जिसमें वह चोटिल हो गया। झांसी में एक बार फिर बदमाशों ने दिन दहाड़े एक लूट की घटना को अंजाम दिया है। झांसी के हाइडल कॉलोनी में रहने वाला राम विशाल विद्युत विभाग में कैशियर है। शुक्रवार को जब वह सीपरी बाजार में पुल के पास स्थित उपकेंद्र पर बने बिल काउंटर पर अपनी ड्यूटी कर रहा था, दोपहर के बाद वह बिजली बिल का जमा हुआ सारा कैश लेकर अपने स्कूटर से सुकुआ डुकुआ कॉलोनी स्थित कार्यालय जमा करने के लिए निकला था। जब वह सुकुआ डुकुआ कॉलोनी के गेट के पास ही पहुंचा था तभी वहां पहले से घात लगाए दो युवकों ने उन पर डंडे से वार कर दिया। इससे राम विशाल असंतुलित होकर स्कूटर से गिर गए और घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर जब तक लोग वहां पहुंचते बदमाश उनका बैग छीनकर वहां से अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग निकले। बताया जा रहा है कि कैशियर के बैग में करीब 3 लाख रुपए थे। सीपरी में कैशियर का काम करते हैं, बिल जमा करते हैं जनता से। किस विभाग में है ये? बिजली विभाग में है और कैश अपना लेके काउंटर से हेड ऑफिस में विद्युत वितरण खंड प्रथम में हेड कैशियर के पास कैश जमा करना होता है, जहां वो लेके जा रहे थे स्कूटर से। और रमेश शर्मा की कोठी से जैसे सुंदर स्वागत पहले वहाँ पर उन्होंने एक डंडा मारा उनके मुंह में। तीन लड़के थे या पाँच, जैसा उन्होंने मुझे बताया है। और वो गिरे लेकिन उन्होंने बैग नहीं छोड़ा, बैग पकड़े रहे और उन्हें जोर से जब ताना तो बैग जब टूट गया, वर्दी टूट गई उसकी, तब वो बैग लेके। कितना कैश था उसमें? 4 लाख के लगभग कैश था। घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी और कर्मचारी मौके पर आ गए और घटना की जानकारी 100 डायल को। डायल 100 तत्काल मौके पर पहुंची और घायल राम मिसाल को लेकर जिला अस्पताल आ गई। यहां उनके अधिकारी और कर्मचारी भी साथ आ गए। घटना के बाद नवाबाद पुलिस को भी अवगत करा दिया गया है। उधर पुलिस की माने तो एसपी सिटी देवेश कुमार पांडे ने बताया कि टीम गठित कर कार्रवाई की जा रही है। एक बिजली कर्मचारी से जो कैश लेके जा रहा था, ये सूचना मिली है कि एक मोटरसाइकिल पर कुछ थे जो उसे डंडा से मारा और उसका बैग छीन लिया। क्योंकि अभी जो पीड़ित था उससे पूरी तरह से वार्ता नहीं हो पाई है, घटना की पूरी जानकारी की जा रही है और इसमें हमारी टीमें लगी हुई हैं और हम जो भी चीजें ज्ञात हो रही हैं उसके हम कार्रवाई कर रहे हैं। जल्दी से लगभग 3 लाख में बताया जा रहा है, तो उनसे पूरी वार्ता की जा रही है। न्यूज बीके के लिए झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।